महज 3 दिन का वक्त और देश के 4 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिल चुके हैं। नए वेरिएंट का 5वां केस देश की राजधानी दिल्ली में मिला। दिल्ली में ये पहला मामला है। विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें से तंजानिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं, अफेक्टेड कंट्री से जितने भी लोग हैं, उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स LNJP में भर्ती किए गए हैं। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। अब देश में कोरोना के जो 5 मरीज हैं, उनमें से 2 कर्नाटक में, 1 गुजरात में, 1 महाराष्ट्र में और 1 दिल्ली में है। मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये सबसे ताजा मामला है। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा है। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के, और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव है। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहाँ नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में 3रा मामला मिला था। CM भूपेंद्र पटेल ने हाई लेवल मीटिंग में एहतियात पर विचार किया। जामनगर में से मिला है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है, उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहाँ वो रहते थे वहाँ पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाए। देखिए कहां कहां अब तक संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, चंडीगढ़ और UP। सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 32 संदिग्ध मरीज हैं। इसमें अकेले 14 मुंबई में हैं। दिल्ली में हाई रिस्क देशों से आए 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 9 तो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी 6 में भी लक्षण हैं। तमिलनाडु में विदेश से आए 3 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं तेलंगाना में 1 महिला का कोविड सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। राजस्थान के जयपुर में भी 9 मरीज संदिग्ध हैं। इनमें से 4 हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए हैं। चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका से आई महिला को होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन वो 1 5-स्टार होटल में मिली। लखनऊ में 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। दोनों ही महिलाएं हाल ही में केरल से वापस लौटी हैं। संक्रमण का खतरा चौतरफा है। एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। वेरी हाईली ट्रांसमिसिबल, ऑल ऑफ अस रिमेंबर डेल्टा। सो ए वायरस दैट कैन हैव ग्रेटर इम्यून एस्केप देन डेल्टा, ब्रेक प्रीवियस वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन इम्यूनिटी बेटर एंड इज ऑल्सो ट्रांसमिसिबल, इज सर्टेनली कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए वेव ऑफ इन्फेक्शन दैट यू रेफर टू व्हेन यू टॉक अबाउट द थर्ड वेव। हाउएवर,
if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen. ओमिक्रॉन के इसी खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है. वहीं विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य है. राज्य सरकारों ने भी कई कदम उठाए हैं. सरकारें सक्रिय हैं. अब अगर पब्लिक भी साथ दे तो ओमिक्रॉन का मुकाबला आसानी से हो पाएगा. आज तक ब्यूरो.